हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज होता है और वो कैसे बनता है। सबसे पहले तो आप उसका इंग्रेडिएंट देख लीजिए क्या क्या उसमें यूज होगा। ये देखिए डार्क कंपाउंड चॉकलेट, और ये है वनीला एसेंस, 1 टीस्पून इसमें ऐड कीजिएगा। और ये है बेकिंग सोडा, ये भी 1 टीस्पून आप यूज़ कीजिएगा। और ये है बेकिंग पाउडर, ये भी 1 टीस्पून आप इसमें यूज़ कीजिएगा। और ये है 3 पीस अंडा, और ये है 3 टेबल स्पून आप तेल यूज़ कीजिएगा। और ये है दही 100 ग्राम, और ये है मैदा 150 ग्राम मैदा है। और ये है कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून आप इसको यूज़ कीजिएगा। और ये है शुगर, पीसी हुई शुगर है 150 ग्राम यूज़ कीजिएगा। और ये है व्हिपिंग क्रीम। चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे बनता है केक। सबसे पहले तो आप अंडे को इसमें डाल लीजिए, एक बॉल ले लीजिए और उसमें आप ये 3 पीस अंडे को इसमें आप डाल लीजिए। देखिए हमने 3 पीस अंडे को एक बॉल में ले लिया है। अब इसे हम बीट करके आपको दिखाते हैं। पहले इसको आप बीट कर लीजिए, उसके बाद फिर इसमें हम इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इसको हम बीट करके आपको दिखाते हैं। देखिए एक को आप बीट कर लीजिए 5 मिनट के लिए। देखिए हमारा अंडा अच्छे तरीके से बीट हो चुका है। अब आप इसमें मैदे को इसमें छानकर ऐड कर लीजिए ताकि इसमें जो भी गंदगी रहे वो निकल जाए। इसमें देखिए हमने मैदा ऐड कर दिया है। अब ये 150 ग्राम शुगर है जो हमने पीस लिया था, बिल्कुल बारीक है, आप देख सकते हैं। इसे आप इसमें ऐड कर दीजिए। और ये है तेल, ये आप 5 टेबल स्पून इसमें आप ऐड कर लीजिए। और ये है दही, दही आप 2 टेबल स्पून इसमें आप ऐड कर लीजिए। और ये है बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून आप इसमें ऐड कीजिएगा। और ये है बेकिंग सोडा, ये भी आप 1 टीस्पून ऐड कीजिएगा। और ये है वनीला एसेंस, ये भी आप 1 टीस्पून इसमें ऐड कीजिएगा। और ये है कोको पाउडर, ये भी आप 1 टेबल स्पून आप इसमें ऐड कर दीजिए। और उसके बाद फिर आप इसे बीट कर लीजिए। देखिए ये हमारा बीट हो चुका है सारा इंग्रेडिएंट। अब आप इसे ये ले लीजिए, इसमें आप तेल लगा के चारों तरफ ग्रीस कर दीजिए। इसे अच्छी तरीके से इसे आप ग्रीस कीजिएगा। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा मैदा डाल दीजिए और इसे चारों तरफ इस तरह से फैला दीजिएगा। चारों तरफ मैदे को इसमें लगा दीजिए। उसके बाद फिर आप ये जो हमने बनाया था इसे आप इसमें डाल दीजिए।
देखिए ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है, अब आप इसे मोल्ड में डाल दीजिए। आप इसमें पानी से दो तीन मिनट कर लीजिए ताकि इसमें बबल नहीं आए। उसके बाद आप ओवन में 180 डिग्री 30 मिनट्स के लिए, हम देख करके आपको दिखाते हैं। रुकिए रुकिए, कैसे हम देखिए 180 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए इसे बेक कर लेते हैं। उसके बाद जब बेक हो जाएगा केक तो फिर हम आपसे मिलते हैं। केक का बेस रेडी हो चुका है, आप ये देख सकते हैं कितना स्पंजी है। आप ये देखिए, अब हम इसको क्रीम को बीट करके हम आपको दिखाते हैं। ये है क्रीम, इसको पहले हम बीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। देखिए ये हमारा जो केक था इसे हमने 3 पीस में डिवाइड कर लिया है, आप ये देख सकते हैं। अब इस पे हम शुगर सिरप लगा देते हैं इस तरह से। देखिए ये जो हमने बीट करके रखा था क्रीम को, इसे आप चॉकलेट सिरप इसमें डाल दीजिए और इसे आप बेक कर लीजिए। जो हमने क्रीम को बीट किया था उसे आप इस लेयर पे इस तरह से ऐड कर लीजिए। शुगर सिरप ऐड कर लीजिए दूसरे लेयर पे भी, उसके बाद फिर आप इस पे फिर एक लेयर क्रीम लगा दीजिए इस तरह से। हमने बेस पे ये क्रीम लगा दिया है, आप ये देख सकते हैं। क्रीम लगा दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। इस पे हम ये चॉकलेट सिरप डाल रहे हैं। इस तरीके से आप ये चॉकलेट को आप पूरे बेस पे आप लगा दीजिए। सो गाइस देखिए हमारा केक रेडी हो चुका है, आप ये देख सकते हैं कितना स्पंजी है। आप ये देखिए हमारा केक, आप ये देख सकते हैं, ये हमारा केक रेडी हो चुका है। आप ये देखिए देखिए कितना सॉफ्ट बना है, आप ये देख सकते हैं। चलिए अगर हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।